गाइस वेलकम यू ऑल टू दी एम एम अकेडमी माई नेम इज प्रियल आज मैं आपको कराऊंगी मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन लास्ट क्लास में ऑलरेडी मैंने काफी सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट एंड ट्रिक्स सिखाई हुई हैं आपको मिक्सचर और एलिगेशन की आज मैं आपको प्योरली क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी एलिगेशन के थ्रू ओके okay? अगर आपको लास्ट क्लासेस मेरी पसंद आई हो तो प्लीज हमारा एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करें सिंपल प्रोसेस है आपको एमएम अकेडमी ऐप टाइप करना है प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में दैन उसके बाद आपको साइन अप करने का ऑप्शन आता है तो आप साइन अप करें आपको टू फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं हर एक सब सब्जेक्ट जो अवेलेबल होते हैं हम आपको स्टेट पी एस सी यू पी एस सी एज वेल एज मैनी अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं इंक्लूडिंग बैंकिंग एंड डी ट्रिपल एस बी अगर आपको हमारे क्वालिटी कंटेंट में डाउट हो तो आप हमारे टू फ्री वीडियो लेक्चर्स रहते हैं हर एक सब्जेक्ट पर अवेलेबल उनको देख सकते हैं और हमारा क्वालिटी कंटेंट जज कर सकते हैं आपको हमारे ऐप आप में पी डी एफ डाउनलोड करने का भी ऑप्शन आता है तो आप इजिली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अगर पसंद आता है हमारा कोर्स टू तो प्लीज़ गो टू तो आर प्रोफाइल पर्चेज आर प्लान एंड एन्जॉय आर कोर्सेज एंड केस आपको कोई भी डाउट आए क्वांट एज वेल एज रीजनिंग में तो आप मुझे अपने डाउट भेज सकते हैं ये मेरी टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम की आईडीज हैं भेज बेचगे अपने सारे डाउट्स भेजें अगर आपको क्लास में भी कुछ डाउट आ रहा है या फिर आपको अपना पर्सनल किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे भेजें मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम डे आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने का ओके okay? अब हम आते हैं डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन में लास्ट क्लासेस में हमने ये वाले क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं मतलब सॉल्व किए हैं अब मैं आपको डायरेक्टली एलिगेशन के थ्रू सिखाती हूँ ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ओके सबसे पहले मैं रीड करती हूँ इन वॉट रेशो मस्ट अट टी ऑफ रुपीज सिक्सटी टू पर के जी बी मिक्स विद टी ऑफ सेवेंटी टू रुपीज पर के जी सो एज टू गैट मिक्सचर वर्थ रुपीज सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव पर के जी आप यहाँ सिंपली एलिगेशन से सॉल्व करेंगे आप और भी मैथड यूज कर सकते हैं बट जो एलिगेशन की मैथड है वो यूज इसलिए होती है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर वो सबसे जल्दी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करती है इसलिए हम एलिगेशन यूज़ करते हैं एक बार आपने बेसिक समझ लिया कि एलिगेशन को अप्लाई कैसे किया जाता है तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर लेंगे ओके अब ये

और बोल दिया जाए कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उसमें यूज़ कर सकते हैं तो मैं जो आपको क्वेश्चन कवर कराऊँगी वो किस पे बेस्ड रहेंगे एवरेज पे बेस्ड रहेंगे जो आप बेसिक एवरेज पढ़ते हैं उसको आप एलिगेशन से कैसे करते हो वो मैं बताती हूँ प्रॉफिट और लॉस कैसे सॉल्व होता है एलिगेशन के थ्रू वो मैं बताती हूँ एज वेल एज बेसिक मिक्सिंग के जो क्वेश्चन रहते हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं वो बताती हूँ ठीक है तो आप प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट देखिए यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास दो टी हैं टी मतलब चाय की पत्ती है ठीक है अब दोनों का अलग अलग रेट मिल रहा है मार्केट में एक जो टी है टी वन उसका रेट आता है मार्केट में सिक्सटी टू पर के जी ओके मतलब वो सिक्सटी टू पर केजी के जी के हिसाब से आपको मिलती है अब जो दूसरी चाय है आपकी टी टू उसका रेट कितना है उसका है सेवेंटी टू पर के जी ओके okay? अब आपसे बोला जाए कि इन दोनों को इस प्रपोर्शन में मिक्स करिए मतलब इनका इतना इतना हिस्सा लीजिए कि जो इनका मिक्सर बने जो चाय तीसरी बने जिसको आप बोलेंगे मिक्सर ओके okay? वो जो चाय बने उसका रेट कितना बन के आ जाए उसका रेट आ जाए आपका सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव पर केजी जी ओके अब देखिए इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताती हूं इसको आप बेसिकली करेंगे किससे एलिगेशन के थ्रू अब देखिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप फर्स्ट मटेरियल लिखेंगे कितने का है सिक्सटी टू रुपीज़ का सेकेंड मटेरियल कितने का है सेवेंटी टू रुपीज़ का आपको चाहिए कितने का आपको चाहिए सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव रुपीज़ का अब देखिए ये आपका फर्स्ट मटेरियल होता है ये आपका सेकेंड मटेरियल होता है और ये क्या होता है जो आप चाहते हैं मतलब मतलब जिस वैल्यू पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ओके okay, आपको ये वैल्यू ऑपटेन्ड करनी है ठीक है तो सिंपल आप क्या करेंगे यहाँ पे आप डायग्नली मूव करेंगे अब डायग्नली कैसे मूव करेंगे सबसे पहले तो यहाँ दो बॉक्स बना लीजिए और बॉक्स के बीच में बना लीजिए एक रेशो का साइन ओके अब देखिए मूव कैसे करना है आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है सिंपली करना क्या है सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव का डिफरेंस किससे लेना है सिक्सटी टू से मतलब सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव को घटाना किससे है सिक्सटी टू से तो देखिए जब आपने इसको इससे घटाया तो आपकी वैल्यू कितनी आई टू पॉइंट फाइव आई अब देखिए घटाना कैसा है हमेशा डायग्नली डायग्नली मतलब इस डायरेक्शन में ओके अब यहाँ पे भी आप कैसे घटाएंगे डायगनली अब देखिए यहाँ पे 72 में से क्या घटाएंगे आप 64.5 मतलब बड़े से हमेशा क्या घटाओगे आप छोटा वाला और कैसे घटाना है डायगनली तो सेवनस सिक्सटी कितनी वैल्यू हो गई आपकी 7.75 पॉइंट सेवन ओके आपकी वैल्यू आई 7.75 पॉइंट सेवन ओके आपने यहाँ से डिफरेंस लिया ओके अब आपको रेशो बताना है कि पहली टी और दूसरी टी को आप किस प्रपोर्शन में मिक्स करेंगे तो ये आपकी हो गई टी वन और ये हो गई आपकी टी टू अब देखिए रेशो क्या जनरेट हुआ आपका सेवन पॉइंट सेवन फाइव और टू पॉइंट फाइव ओके तो देखिए और इसको आप काट भी सकते हैं सिंपली फाइव की टेबल से बोलिए तो 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 क्या जनरेट हो, हो रहा है अब थ्री इज टू वन क्या शो कर रहा है आपको थ्री इज टू वन शो कर रहा है आपको कि जो आपकी टी वन थी और जो आपकी टी टू थ्री आपने उनको इन इन प्रपोर्शन मिक्स किया जिससे उनका न्यू रेट क्या जनरेट हुआ सिक्सटी फोर रुपीस आपको मिलने लगा ओके तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर विच इज थ्रीज टू वन क्लियर तो यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सपोज कोई भी क्वांटिटी है एक दस रुपए की आ रही है एक बीस रुपए की आ रही है आपको चाहिए सपोज की तो आप क्या करेंगे ये आपका क्या होगा फेवरेबल चीज मतलब जितनी आपको चाहिए है तो आप क्या करेंगे क्रॉस में इनको क्या करेंगे डिफरेंस ले, ले लेंगे इनका ठीक है तो आपने क्रॉस में डिफरेंस लिया तो पंद्रह माइनस दस मिला यहाँ पे क्रॉस में आपने डिफरेंस लिया तो पंद्रह माइनस पांच मिला ओके अब देखिये यहाँ रेशियो क्या जनरेट हो रहा है वन वन जनरेट हो रहा है आपका

देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है अब यहां बोला जा रहा है इन वॉट रेशो वॉटर एंड सेवेंटी टू परसेंट वाइन सोल्यूशन बी मिक्स टू ऑपटेट वाइन सोल्यूशन अब देखिए वाइन सोल्यूशन बोला जा रहा है अब वाइन सोल्यूशन मतलब क्या होता है वाइन में आप एड करते हो जब वॉटर तो क्या मिलता है आपको आपको मिलता है वाइन का सोलूशन ओके okay, अब यहां बोला जा रहा है कि आपको कितना पानी मिक्स करना है सपोज आपका पानी कुछ था ठीक है आप कितना पानी मिक्स करेंगे 72% ऑफ वाइन सॉल्यूशन में कि आपको जो न्यू वाइन सॉल्यूशन मिले वाइन का नया सॉल्यूशन मिले ठीक है वो कितना हो जाए वो 54% वाइन सॉल्यूशन जनरेट हो जाए अब देखिए यहां 72% क्या शो कर रहा है अभी जो 72% है ये शो कर रहा है कि आपका 72 क्या है आपकी वाइन है और 100 से अगर आप माइनस करेंगे 72 100 माइनस सेवेंटी टू विच इज ट्वेंटी एट ये ट्वेंटी एट क्या है ट्वेंटी एट परसेंट है आपका वाटर ओके okay. तो वाइन वाइन का मतलब हुआ कि 72 है आपकी और उसमें 28 क्या मिला हुआ है 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 वाटर मिला हुआ अब आपसे आप बोला जा रहा है कि आप फिफ्टी फोर परसेंट इसमें हो वाइन प्योर वाइन और उसमें पानी कितना हो उसमें पानी हो आपका फोर्टी सिक्स परसेंट ओके okay. इनिशियली आपका कितना था इतना आपको इसको बढ़ा के कितना बनाना है इतना बनाना है तो देखिए इसको भी हम सिंपली एलिगेशन के थ्रू करते हैं ओके okay. अब यहां पे भी दो तरीके से मैं आपको बताती हूं देखिए देखिए पहले आपका वाटर कितना था वाइन में अगर आपका 72 परसेंट वाइन सोल्यूशन था ओके okay, पहले हम ले लेते हैं सेवेंटी वाइन का सोल्यूशन ओके okay. अगर सेवेंटी वाइन सोल्यूशन है तो इसमें सेवेंटी क्या है आपका प्योर वाइन और वाटर कितना है आपका ट्वेंटी वाटर है ठीक है तो पहले केस में आपका वाटर किसका था ये सपोज आपका एक केस है ओके okay? इसमें वाटर कितना था किया, अब उसमें होता है उसमें हंड्रेड परसेंट ही वाटर रहेगा इसमें कितना था अट्ठाइस परसेंट था अब आपको चाहिए कितना वाटर है आपसे नीट क्या बोल रहा है फिफ्टी फोर परसेंट वाइन सोल्यूशन चाहिए मतलब कितनी हो जाएगी फिफ्टी फोर

फोर्टी सिक्स माइनस ट्वेंटी एट कितना हो गया आपका का तो एटी इस डायरेक्शन में मूव किया आपने डिफरेंस लिया तो ओके अब देखिए अब इन दोनों का आपने रेशियो लिया तो देखिए 18 के टेबल में 54 आता है क्या हाँ आता है कितने ज आता है थ्री ज आता है एटीन वनजा और थ्री सा तो रेशियो कितना आ रहा है थ्री टू वन आ रहा है अब ये थ्री टू वन क्या शो कर रहा है ये थ्री टू वन शो कर रहा है कि अगर आपका सल्यूशन कितना लिया आपने सेवेंटी वाला सोल्यूशन लिया है अगर आपने ये थ्री पार्ट सोल्यूशन लिया तो उसमें आप कितने पार्ट मिक्स करेंगे वाटर का एक पार्ट मिक्स करेंगे ओके okay. तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो रहा है आपका आंसर हो रहा है थ्री टू वन अब देखिए ये तो हमने किस टर्म में निकाला वाटर के टर्म में सारी चीजें हमने वाटर के टर्म में निकाली ठीक है अब हम निकालते हैं वाइन के टर्म में देखिए इनिशियली वाइन आपकी सोल्यूशन में सेवेंटी टू थी ओके अब वॉटर में कितनी वाइन होती है वाटर में तो वाइन होती नहीं तो हमारी वाटर में वाइन कितनी हुई जीरो हुई आपको चाहिए कितनी है वाइन फिफ्टी तो हमें चाहिए कितनी है फिफ्टी ओके okay, अब आप इसका रेशो निकालें तो यहां पे आपने क्रॉस लिया ओके okay, ये आ गया डायरेक्टली आपका 54 यहां पे आपने क्रॉस में डिफरेंस लिया 72 माइनस 54 कितना हो गया ये आपका 18 आया ओके okay, अब यहां पे इनका अगर आपने रेशो लिया तो कितना कितना रेशो आ गया सेम आया रेशो वन ज़ा और ये थ्री ज़ा थ्री इज टू वन रेशो आ गया यहाँ से भी सेम आंसर आया आपका कि सोल्यूशन आप कितना लेंगे अगर थ्री की वैल्यू मिल अगर थ्री पार्ट लेंगे तो आप वाटर उसमें कितना ऐड करेंगे वन पार्ट ऐड करेंगे जिससे आपको जो नया सोल्यूशन मिले उसमें वाइन का कितना कंसेंट्रेशन हो फिफ्टी फोर परसेंट कॉन्सेंट्रेशन हो क्लियर तो देखिए आप दोनों टर्म्स में निकाल सकते हो वॉटर के टर्म्स में भी और वाइन के टर्म्स में भी ठीक है अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हुई हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो एक बार खुद से बना के देखिए हंड्रेड परसेंट आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ सम ऑफ डिवाइडेड इन द क्लास बाय द टीचर मतलब डेढ़ सौ रुपए क्या हुआ पूरी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए किसके द्वारा टीचर के द्वारा so मतलब सो दैट ईच बॉय गेट एटी पैसे एंड ईच गर्ल गैट फिफ्टी फाइव परसे मतलब डेढ़ सौ रुपए का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया कि हर एक बॉय को हर एक बॉय को कितने रुपए मिले हर एक बॉय को अस्सी पैसे मिले और हर एक गर्ल को कितने पैसे मिले हर एक गर्ल को फिफ्टी फाइव पैसा मिला गया पैसे मिले ओके okay? अब पूछा जा रहा है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल इन द क्लास इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 200 अगर आपसे बोला जा रहा है कि बॉय प्लस गर्ल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे ये कितना है 200 है ओके okay? तो इस हिसाब से आप बताइए कि गर्ल्स कितनी हैं आपको ये एक हिंट दी है और आपको एक ये इक्वेशन दी है equation तो ये आपकी दो इक्वेशन हो गई तो यहाँ अगर आप बेसिक तरीके से जाएं तो गर्ल्स को आप क्या ज्यूम करते हैं एक्स तो बॉयज कितने हो जाएंगे बॉयज हो जाएंगे 200 सौ माइनस एक्स ऐड तो okay, करने में कितने रुपीज के बराबर होना चाहिए वो वन फिफ्टी रुपीज के बराबर होनी चाहिए देखिए लेकिन ये वन फिफ्टी रुपीज है आपका लेकिन रुपीज को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको पैसे में तो इसमें हंड्रेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फिफ्टीन थाउजेंड आ जाएगा ओके okay, तो ये इक्वेशन किसके बराबर होनी चाहिए फिफ्टीन थाउजेंड के बराबर होनी चाहिए अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और ये एक्स क्या होगा नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी तो देखिए यहाँ से थोड़ी सी आपकी कॉम्प्लिकेटेड बन सकती है इक्वेशन बिकॉज यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा रहेगी अब देखिए डायरेक्टली इसको एलिगेशन से कैसे करते हैं देखिए देखिए एलिगेशन में हम सिंपली क्या करेंगे हम सारे स्टूडेंट को पूरे पूरे पैसे दे, दे देंगे मतलब हम अज्यूम क्या कर लेंगे कि दो हमारी क्या है बॉयज भी हैं

बचपन पैसे दे दिए अब देखिए इसका वैल्यू कितनी आ रही है फिफ्टी फाइव इंटू टू वन वन डबल जीरो ओके अब ये पैसे किसके पास आ गए गर्ल्स के पास आ गए तो देखिए यहाँ हम एलिगेशन यूज करेंगे अब ये दोनों क्वांटिटी तो आप डायरेक्टली माइंड में निकाल सकते थे जरूरत नहीं थी इसको सॉल्व करने की बट स्टिल हमने कर लिया है जिससे आपको थोड़ा सा क्या हो जाए कन्वीनियंट हो जाए ये आपका हो जाएगा इलेवन थाउजेंड एक और जीरो आएगा ठीक है अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू लिख लो बॉय को कितने मिले यहाँ बॉय लिख लीजिए और यहाँ गर्ल लिख लीजिए बॉय को कितने मिले वन और गर्ल को कितने मिले डबल वन ट्रिपल जीरो एक्चुअल में आपके पास पैसे कितने थे वन और वन को आप पैसे में कन्वर्ट करते हो तो कितना हो जाता है वन फाइव, जीरो हो जाता है. ये क्या है आपके एक्चुअल पैसे ओके अब यहां पे आप डिफरेंस लो तो देखो डिफरेंस लेने में क्या मिलेगा आपको बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशो मिल जाएगा देखिए सिक्सटीन थाउजेंड माइनस फिफ्टीन थाउजेंड कितना मिला आपको वन थाउजेंड मिल गया

ओके okay, ये किसकी स्ट्रेंथ हो गई टोटल स्ट्रेंथ ये वन क्या हो गया गर्ल्स की स्ट्रेंथ ओके okay, अब यहाँ पे आप बाय पार्ट दे दो वन बाय फाइव वन क्या हुआ गर्ल और फाइव क्या हुआ आपका टोटल इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया आपने टोटल स्ट्रेंथ विच इज टू हंड्रेड से तो देखिए फाइव से ये कैंसिल हुआ तो वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी अब फोर्टी क्या कहलाएगा आपकी गर्ल्स की स्ट्रेंथ तो आपका आंसर करेक्ट क्या हो गया यहाँ से फोर्टी हो गया ओके अब देखिए ये तो मैंने आपको समझाया था अगर मैं खुद से करती तो देखिए कितनी जल्दी कर देती एट्टी पैसे थे कितने को देना था दो सौ को देना था तो कितना हो गया आपका सोलह हजार हो गया ऐसी पचपन पैसे थे कितने को देने थे दो सौ को देने थे तो कितना हो गया आपका इलेवन थाउजेंड हो गया अब आपके टोटल पैसे थे कितने अवेलेबल वन फाइव ट्रिपल जीरो यहाँ पे डिफरेंस लिया क्रॉस में कितना हो गया आपका एक हजार हो गया जीरो से जीरो चले गए आपके फोर इज टू वन आ गया फोर बॉयज है तो गर्ल्स आपकी वन है अब आपका टोटल स्ट्रेंथ कितनी है टोटल स्ट्रेंथ आपकी दो सौ है तो दो सौ को आपको गर्ल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वन बाय फाइव स्ट्रेंथ में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप ये कैंसिल हुआ तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी आ गई ये कितनी स्ट्रेंथ हो गई गर्ल्स की स्ट्रेंथ क्लियर